तो क्या आप बता सकते हो कि एक इंसान कितना किलोमीटर तक पैदल चल सकता है? क्या आप बता सकते हो कि एक इंसान जब पैदा होता है और मरने तक कितना टन खाना खा जाता होगा? ये सारे कुछ जानने वाले हैं ह्यूमन फैक्ट में। आपके बॉडी के बारे में आप जानने वाले हो कि आपका बॉडी कितना मस्त मशीन है जो कि आप उसके बारे में नहीं जानते हो। तो आज की वीडियो में आपको अपने ह्यूमन बॉडी के फैक्ट बताने वाला हूँ। लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीख कर जाने वाले। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा। नंबर वन, क्या आप बता सकते हो कि आपका जो बाल है वो कितना सेंटीमीटर हर दिन ग्रो करता है, बढ़ता है? तो आपको बता दें, आपका जो बाल है वो हर दिन 0.03 सेंटीमीटर तक ग्रो होता है, मतलब एक महीना में 0.9 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे अपना बाल टकला क्यों हूँ तो देखता हूँ क्या सच में 0.9 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है एक महीना में। क्या आपको पता है कि ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसका 73% हिस्सा पानी से बना होता है, इसलिए इंसान के बॉडी को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और क्या आपको पता है कि इंसान को सबसे ज़्यादा प्यास कब लगता है? जब उसके बॉडी वेट के हिसाब से 1% कम पानी होने लगता है। यानी कि किसी इंसान का वेट 60 kg है तो उसके बॉडी में 6 लीटर से कम पानी होने लगता है तो उसको सबसे ज़्यादा प्यास लगने लगता है। और कभी कभी तो ये भी देखा गया कि 10% पहुँच जाता है तो इंसान मर जाता है। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि जंगल में कोई इंसान फंसता है तो मरता है सिर्फ पानी कारण, क्योंकि उसके बॉडी वेट के हिसाब से उसका जो पानी रहता है बॉडी में वो घट जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि किसी इंसान के बॉडी से अगर लंग्स निकाल कर उसको पानी में रख दे तो वो कभी डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लंग्स में हमेशा 1 लीटर ऑक्सीजन स्टोर रहता है, इसके वजह से वो डूबता नहीं है। और इस प्रोसेस को रेसिडुअल लंग वॉल्यूम भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अगर आपसे अभी ये पूछूं कि क्या मच्छर आपका जान आराम से ले सकता है तो इसका जवाब होगा हाँ, मच्छर जान आराम से ले सकता है। वो कैसे, तो इसका बताता हूँ। देखो, एक मच्छर जब इंसान के बॉडी में बैठता है तो वो 0.0 ml खून चूस लेता है, ठीक है? तो आपको मरने के लिए 2 मिलियन मच्छर का जरूरत पड़ेगा। यानी कि एक मच्छर 0.01 ml खून चूसता है, तो वहीं अगर आपके बॉडी में 2 मिलियन यानी कि 20 लाख मच्छर एक साथ आपके बॉडी में बैठेंगे तो जब वो खून चूसेंगे तो सारे मच्छर मिलाकर 20 लीटर आपके बॉडी से खून चूस लेंगे, तो आप तुरंत मर जाओ। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के वेट के हिसाब से ब्रेन का वेट 2% होता है, लेकिन भी ये छोटी सी नन्ही सी जान सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। वो क्यों, तो आपको बता दें, हमारे बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है और ब्रेन को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगता है, इसके वजह से ही ब्रेन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। फैक्ट नंबर 6, आपने देखा होगा कई बार जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता नहीं है तो नर्स जबरदस्ती मार के उसको रुलाती है। जब बच्चा रोता है तो उसके आंखों से आपने देखा होगा आंसू नहीं निकलता है, वो इसलिए क्योंकि बच्चे का टीयर डक अभी डेवलप नहीं होता हुआ रहता है, जिसके वजह से उसके आंखों से आंसू नहीं आता है। फैक्ट नंबर 7, आपने देखा होगा जब ज़्यादा देर आप पानी में रहते हो तो आपके पैर और हाथ की उंगली में ये अजीब सा पैटर्न बन जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो रिसर्च से ये पता चला कि ये हमें पानी के अंदर किसी भी चीज़ को पकड़ने में ग्रिप देता है, मजबूती से हम पकड़ सकते हैं। अगर ये पैटर्न ना बने तो हम पानी के अंदर किसी भी चीज़ को बहुत ही मजबूती से पकड़ नहीं सकते हैं। नंबर 8, क्या आपको पता है कि एक इंसान पूरे लाइफ टाइम में कितना किलोमीटर तक चल सकता है? तो रिसर्च में ये पता चला कि एक इंसान पूरे लाइफ टाइम 1,60,000 किलोमीटर चल सकता है। इसका मतलब अगर वो इंसान धरती को चक्कर लगाए तो वो 4 बार आराम से पूरे लाइफ टाइम घूम सकता है पैदल। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जब एक कपल आपस में किस करते हैं तो आपस में वो 8 करोड़ बैक्टीरिया ट्रांसफ़र करते हैं, तो इससे कपल को डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, आपको लगे रहना है, ठीक है? ये जो बैक्टीरिया होता है जो आप ट्रांसफ़र करते हो वो गुड बैक्टीरिया होता है, ये नुकसान के बजाय कपल को फ़ायदा पहुंचाता है। तो आप कमेंट करके बताओ कि क्या क्या फ़ायदा पहुंचता है किस करने से कपल को, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं इसके लिए पूरा फुल डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, आप कमेंट करना। फैक्ट नंबर 10, क्या आप बता सकते हो कि एक हेल्दी इंसान अपने पूरे लाइफ में जन्म से लेकर मरने तक कितना केजी खाना खा जाता होगा? तो एक रिसर्च से ये पता चला कि एक हेल्दी एवरेज इंसान अपने पूरे लाइफ टाइम में करीब 30,000 kg खाना खा जाता है। 30,000 kg,
अब इसको टन में कन्वर्ट कर सकते हो, कितना टन होता है, इतना टन खाना खा जाता है इंसान। तो ये थे वो 10 फैक्ट, आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताना, अपने बॉडी के बारे में आपको जान के कैसा लगा, आप हो गए ना आश्चर्य। अगर मजा आया हो तो एक लाइक जरूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सपोर्ट जरूर करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट।